गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 6:15 बज रहे हैं, मैं उठ चुकी हूँ। संडे है, सब सोए हैं। थोड़ा देख के मुझे जलन भी हो रही कि सब सोए, पर मुझे उठना ज़रूरी था क्योंकि संडे हो या मंडे हो, काम है तो फिर उठना ज़रूरी ही है हमारे लिए। जैसे कि आप जानते हैं, सीज़न चल रहा है, ब्राइडल सीज़न चल रहा है। तो इस ब्राइडल सीज़न में हम ब्यूटिशियंस के जो ज़िंदगी चलती है, तो मैं उसको थोड़ा आपको शॉर्ट में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि लोगों के हिसाब से हम ब्यूटिशियंस, उनको लगता है कि बहुत इजीली काम मिल जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें, कोई भी काम इजीली नहीं होता है। सो आप हमारे हार्डवर्क को देखें और प्लीज़ इसे रिस्पेक्ट करें, अप्रिशिएट करें। सो आज मैं 2 एंगेजमेंट ब्राइड रेडी कर रही हूँ, और आज दोनों ब्राइड सलोन पे ही हैं। 7 बजे तक दोनों आ जाएंगे, ऑलमोस्ट आ जानी चाहिए। तो मैं दोनों केक के बाद एक रेडी करूँगी, देखते हैं हम उनको कैसे रेडी करते हैं। 7:10 हो गए, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, क्लाइंट आ गई है। थोड़ा सा मैं आलस आ रहा था मुझे उठने में, करने में, तो मैंने धीरे धीरे काम किया। तो मैं ठीक है, अभी रेडी हो चुकी हूँ और वो आ गए हैं, तो अभी देखते हैं कैसे होगा। घर से बहुत पास है सलोन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह कितना फ्रेश लगता, देखिए सब जगह एकदम ठंडा माहौल है। और ब्राइड आ गई है, जैसे कि आप देख रहे हो, अपने भाई के साथ वेट कर रही थी मैं बाहर, और सलोन भी खुल गया है। सो गुड मॉर्निंग, 10 मिनट लेट। सो ये देखिए, हमसे पहले आ जा सकती हैं और मैं सलोन पे आ गई हूँ। तो मैम का फेस मेकअप हो गया है, मैम की फ्रेंड भी आ चुकी है, ये शिवानी भी आ गई है, और वो सब अब धीरे धीरे आ गए हैं। अब उनका हेयर डू और सारी रैपिंग करेंगे, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक और आ चुकी है, श्रुति है बोली, इनका भी एंगेजमेंट है। और आज दो दो मेरे पास सुंदरियाँ आई हुई हैं, सो फटाफट इनको भी रेडी करते हैं, है ना। एक्साइटेड ये बहुत ज़्यादा लाडली है, बहुत पहले से आती है, तो बच्ची ऐसे इमोशनल है मेरे लिए आज का दिन, पर ठीक है। सेकेंड भी ब्राइड का फेस हो चुका है, हेयर भी हो गया है, अभी थोड़ा सा बस टचअप बाकी है और सारी वाली। सो फाइनल रिजल्ट हम देखते हैं। एक ब्राइड रेडी हो चुकी है उनके एंगेजमेंट डे के लिए, और उम्मीद करती हूँ उनको अच्छा लगा। मैम कैसा लगा आपको? एकदम अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सूट कर रहा है। और मैं भी आपको थैंक यू बोलती हूँ। ये हमारी सेकेंड ब्राइड, बस इनके रिलेटिव्स आ चुके हैं और ये थोड़ी देर निकलने वाली है। एक और ब्राइड रेडी हो गई है अपने एंगेजमेंट के लिए। सो श्रुति मैम, आपको कैसा लग रहा है, अपना एक्सपीरियंस करें। एकदम परम सुंदरी बन गई हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया बोलेंगे मंगल जी कि आपने इस इतने अच्छे मौके पर मुझे चूज़ किया। सो थैंक यू सो मच बेटा। मतलब देखिए इनको हद है, गप्पे मार रहे हैं। चलिए जाइए, निकलिए जल्दी से, घर पे वेट कर रहे होंगे। चलिए गुड लक बेटा, बहुत सारी बधाइयां आपको, थैंक यू आने वाले फ्यूचर के लिए। ठीक है, शादी में मिलते हैं। यस, एक बार का हो गया, अब मैं घर जा रही हूँ। घर जाके देखती हूँ क्या हाल है वहाँ पे।
क्योंकि आज हमारी मौसी नहीं आई है, तो मुझे मौसी बनना पड़ेगा शायद, या फिर दूसरी मौसी से काम कराऊंगी। अब तो सलून में तो रश है ही, संडे है तो। सो एक बज रहे हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी एक दो क्लाइंट हैं, एक और आ चुकी हैं, अंदर काम चल रहा है। दो मेकअप हो चुके हमारे, टचअप के लिए सोनी गई थी, सोनी ने सारी चेंज किया है और अभी फिर मैं वेट कर रही दूसरे क्लाइंट्स का, फिर से एक बार घर जाऊंगी मैं, क्योंकि आप बोलोगे बार बार घर जा रही है, तो घर बहुत पास है और यहाँ से संडे है तो घर में बाकी की छुट्टी है, हस्बैंड की बच्चों की छुट्टी है, तो मुझे बीच बीच जाकर थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है एक दिन रहता है तो, पर आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। सो अब थोड़ी मैं वापस एक बार घर जाऊँगी, खाना खा के आऊँगी और तकरीबन 4 बजे मैं घर आई थी, फिर थोड़ा सा यहाँ पे घर पे मैंने टाइम पास किया है बच्चों के साथ और सैलून पे काम चल रहा है, मैं तो आ गई थी, पर मैं जा रहा हूँ सैलून वापस क्योंकि 4 बजे एक बुकिंग के क्लाइंट आने वाले हैं, तो मैं उनका थोड़ा सा उनसे बात करती हूँ, डिस्कस करती हूँ और फिर क्लाइंट लेती हूँ। चार्जर देना बेटा, चार्जर। तो ऐसे हमारा चल रहा है और फिर शाम में मुझे एक हल्दी का मेकअप करने जाना है भीड़ बाईपास, जो कि यहाँ से कुछ दूरी पे है, तो लेट नाइट वहाँ होगा, हम देखते हैं वहाँ पे कैसे क्या होने वाला है। मम्मी मैं पार्लर जा रही हूँ, ठीक है, आप और बॉस को एंजॉय करना। ये है मम्मी और ये है हमारा बॉस को, हटो वहाँ हटो, ये बॉस को है हमारा, जो कि मम्मी को चराता है, मम्मी उसके पीछे पीछे सारा टाइम रहती है और वो लगता है कि वो मम्मी को वॉक पे ले जाता है, मम्मी उसे नहीं ले आती है, है ना बॉस को। चलो आती हूँ मैं, पार्लर जा रही हूँ। पहुँच गई हूँ पार्लर, खोलो, कोई है? चलो खोलो। अच्छा कौन कौन है बेटा, अभी काम चल रहा है? सो बस पार्लर खाली है और शायद अंदर से भी चल रहे हैं। ओके दीपिका हमारी, दीपिका क्यों खाना पीछे दरवाजे के पीछे ये देखिए मैडम जाने की तैयारी कर रहे हैं। नीना मुंह दिखा, नीना मुंह दिखा, नीना मुंह दिखा, दीपिका क्या कर रही हो? वो दिखा मेरे को, पता है क्या? 7:30 बज रहे हैं और मैं 7:30 बजे जा रही हूँ बीट बाईपास पे, एक लॉन्स है वहाँ पे, प्रियंका यादव जो मेरी बचपन से मेरी बहुत पहचान की है, बेटी जैसी है, अब आप बोलोगे हर कोई बेटी जैसी, एक्चुअली मेरे पास आने वाला हर क्लाइंट इतना पुराना है कि हर कोई कोई ना कोई कनेक्शन मुझसे बन जाता है, तो उसकी आज हल्दी का फंक्शन है और अब तक वहाँ से फ़ोन नहीं आया, पर फिर भी मैं निकल रही हूँ, बहुत दूर जा रहा है, तो मैं शरीर को बुलाई हूँ, शरीर को दिखाई एक बार, देखिए कैसे बिजी है अपने आप, मतलब वैसे तो बताना चाहूँगी कि शरीर ने मुझे छोड़ दिया है मतलब शरीर कहीं और ज्वाइन किया, वो भी बहुत अच्छे प्लेस पे ज्वाइन करी है, तो शरीर को जाते जाते मैंने कहा मुझे ले चलो, हम लोग वहाँ पे जाके मेकअप करेंगे और लेट होगा तो शायद मैं शरीर का रुकने वाली हूँ, मुझे पता नहीं, क्योंकि मिश्रा जी बोले हैं 11 से पहले हुआ तो आके ले जाऊँगा, लेट हो गया तो शायद नहीं, और सुबह 4 बजे मुझे फिर से वहाँ पे स्पॉट पर पहुँचना है, तो मैं शरीर के यहाँ शायद रुक सकती हूँ, बीच बीच में आपको क्लिप दिखाते रहूँगी, कंटिन्यू करते हैं अभी और सब गुड नाइट बोलने वाले हैं, कल मिलना है सबको, कल यहाँ पे आना है, कल मेकअप है यहाँ पे, दो साइड मेकअप है, 8 बजे जिसको आना आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, ठीक है चलो। सो मैं फाइनली स्पॉट पे आ गई, ये प्रियंका है, इनकी आज हल्दी है और देखिए हम लोग आराम से बैठे, कोई चिंता ही नहीं, कितना टाइम, कितना 8:30 हो रहे, तकरीबन 8:30 हो रहे हैं, कोई भी तैयारी नहीं हुई है, नीचे अगर मैं हाल दिखाऊँ तो आपको हंसी आएगी, सब सुकून से बैठे हैं, किसी कुछ लेना देना नहीं, आराम से जब खत्म होगा तो मैं भी आज एकदम आराम से काम करने वाली हूँ, मुझे नहीं पता क्या क्या होने वाला है, देखते रहते, बीच बीच में आपको क्लिप्स डालते रहूँगी और मज़ा आएगा। आपके कितने बजे? 11:30 कितने बजे? 10:30 बज रहे हैं और छोटा सा उन्होंने कुछ बेसिक से टचअप कुछ करवाया और फिर कहा कि हल्दी का प्रोग्राम बाकी है, तो कुछ शायद रिचुअल अलग है इनमें, तो ये लोग बाकी का निपटा के फिर आएंगे, मतलब और मुझे 1 घंटा तो शायद लगने ही वाला है। सो चलते, मैं सोच रही हूँ कि चलिए, चलो फिर नीचे का खाना चलते, खाना खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर रुक के टाइम ऐसे होता उतना, हम लोग सोच रहे कि हम नीचे आके खाना खा लेते हैं, देखते हैं खाने में क्या क्या है,
या है भी या नहीं पता नहीं, बिकॉज देखते हैं रात को 10:30 बजे रात के 11:30 बजे फिर मैं और शरयू, थैंक यू प्रथमेश, प्रथमेश ने हमें खाना ला के दिया है और हम लोग खा रहे हैं और देखते हैं। और मैडम को तो अभी बहुत टाइम बाकी है, पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। मुझे तो भूख लगी थी, मैं देख रही हूँ मुझे भूख लगी, मैं खा लूँ। मैं थोड़ी अलग टाइप की इंसान हूँ, मतलब जैसी वैसी मैं खा लूँ। रात के 12 बज रहे हैं और हुआ ये है कि प्रिया स्माइल तो कर रही, वेरी गुड, थैंक यू सो मच प्रिया, पर हुआ ये है कि थोड़ा सा प्रोग्राम मिसमैनेजमेंट के कारण प्रिया का मेकअप नहीं हो पाएगा हल्दी का। हम वेट किए पर इट्स ओके, हमने थोड़ा प्रिया अभी हम लोग निकल रहे बेटा, कल सवेरे 4 बजे 4:30 बजे आऊँगी। ये है भाभी हमारी, भाभी हेलो करो, हेलो। सो अभी हम निकल रहे अपने घर और आप लोग इन्जॉय कीजिए बचाओ प्रोग्राम। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, बाय। सुबह के 4 बज के मैं शर निकल रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि हमें वापस सेटिंग का मेकअप है, तो शरी रेडी हो कि शरी उठ गई थी, मुझे उठाया उसने और हम जा रहे हैं बाकी सब लोग सोए। देखिए अभी भी रोड पे अंधेरा ही है और गेट भी नहीं खुला है, तो हम जाके गेट खुलवाने वाले हैं। ये हम लोग पहुँच गए वैली पे भैया, खुला तो होगा ना गेट, लॉक तो नहीं होगा, वहाँ देखो याद मेरा है खुला है, बोल देना भैया कहाँ से लगा, कहाँ से बाहर लगा। रेडी है प्रिया, कितनी क्यूट लग रही है, हेलो, बहुत अच्छा लग रही है। और आंखें नीचे कीजिए। सो हमने एक रेडी कर दिया उसको वन टाइम, अभी सेकेंड हम फिर से आएंगे, तब तक मैं घर जा रही हूँ कि घर पे ऑलरेडी 2 साइडर मेकअप है, तो मैं और शरयू घर जा रहे हैं, मतलब सैलून पे जा रहे हैं और फिर वहाँ पे रेडी करके फिर वापस हम यहाँ वैन्यू पे आएंगे। ये है प्रिया के पापा जो कि है अशोक भैया, और बहुत अच्छे अरेंजमेंट की, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सो बहुत बहुत बधाई भैया आपको आपके बेटे की शादी की। सो ये देखिए अब तो इतना सुबह है कि पूरा कैनॉट बंद है, कहीं कोई नहीं है, इक्के बिक्की लोग, ये देखिए पूरा कैनॉट बंद है, जबकि इस जगह पे हजारों लोगों की चहल कदमी रहती है और सब भरा रहता है पूरा पैच। और देखिए इतना सुबह है कि सब कुछ बंद है और अच्छा लग रहा है, खाली खाली शांत, वाह मज़ा आ गया। मैं बहुत दिनों बाद इतने सवेरे इस एरिया से गुजर रही हूँ तो अच्छा लग रहा है मुझे। और आपको पता है आज का वेदर इतना सुंदर है, ठंडा ठंडा फील हो रहा है। मैं शरयू बोली दीदी आप फेस बांध दीजिए, पर मुझे बिल्कुल नहीं बांधना कि मुझे वो मज़ा लेना है, ठंडी हवा ना कर घुसना है, और वो गुनगुन जब आवाज़ आता ना सर्दी की आवाज़ आता है करता आवाज़ ये पूरा शौक बनते हैं। ओह माय गॉड, लग रहा है जैसे कर्फ्यू हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था मैं घर पे आई थी तो मेकअप करने, पर वो अब तक आए नहीं, शायद से आएंगे नहीं, पता नहीं, नहीं आए, अब जब आएंगे तब आएंगे, क्योंकि मुझे ब्राइड को रेडी करने वापस जाना है। तो हमने एक बड़ा सामान ऑर्डर किया था जो कि शरी बहुत मजबूरी से खा रही है, वो ही ख़त्म कर लिया हमने, तो थोड़ा सा जल्दी खाएगी और हम लोग जाएंगे। मैं चेंज करूँगी, नहाने का मन नहीं कर रहा है पर मैं नहाना चाहूँगी, तो फाइनली फिर मैं और शरी एक बार फिर से निकल गए हैं। हम लोग घर पे गए थे तो सैलून पे गए थे, सैलून पे जाके थोड़ा टाइम पास किया क्योंकि हमारे कोई क्लाइंट नहीं आए,
शरीफ चली गई क्योंकि उसके ड्यूटी का टाइम हो रहा था, तो अभी फिलहाल मैं अब अकेली हूँ और प्रिया की कुछ दोस्त फ्रेंड हैं, अगर उनकी हेल्प मिली तो मिली, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अकेली हूँ। प्रिया होगी रेडी, देखिए और पूरा फैला हुआ है क्योंकि मेरे साथ आज कोई नहीं था, तो कर दिया आपने बहुत दिनों बाद एक ब्राइड, एक्चुअली बहुत दिन बाद मैंने अकेले ब्राइड रेडी किए हैं, तो मैं जनरली इंतजार करती हूँ। इनका चल रहा है यहाँ पे फोटोशूट। तो एक और शादी संपन्न होती है और हमने अच्छे से, तो आज मैं हाँ बहुत दिनों बाद मैंने अकेले काम किए हैं, तो नॉट बैड कर पाती हूँ, पर अच्छे से आप कहें थोड़ा आसानी से हो जाए, थोड़ी परेशानी कम हो जाती है, जैसे कि अकेले ही ब्लॉग बनाना, अकेले ही बार बार प्रोडक्ट्स लाना और उनको सबको संभालना थोड़ा मुश्किल हुआ, पर कर लिया। देखते हैं और क्या क्या होने वाला है। सो आज का ब्लॉग मैं शायद यहीं पे ख़त्म करूँगी क्योंकि मेरा मैंने ब्राइडल ब्लॉग के ऊपर बनाया था, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, फिर कल करते हैं एक नया ब्लॉग एक नए ब्राइडल मेकअप के साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि और आपको आने वाले समय में बहुत मज़ेदार मज़ेदार